चलो यार, मैं यहाँ पे अपने फोन में एक ऐसा चीट कोड नंबर डायल करता हूँ जिससे कि हमारे गेम में आ जाएगा कंटेनर ट्रक। ओके 8 6 और ये हैशटैग लगाया 0 और 4। ये लो भाई, हमारे गेम में आ चुका है एक न्यू ट्रक। दोस्तों आज हम इस बाइक से एक मिशन को क्लियर करने वाले हैं और ये बाइक है ना काफी तेज दौड़ती है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो भाई कितनी मस्त बाइक है, और इसी से मैंने कल एक मिशन को कंप्लीट किया था जिससे मुझे मिल चुका था कंटेनर वाले ट्रक का चीट कोड नंबर एंड इसके अलावा मुझे मिल चुका था बस का चीट कोड नंबर। चलिए गाइज, अब मैं यहाँ पे एक बाइक को स्पॉन करवा लेता हूँ 777 डायल करके, और अभी इस बाइक से हम एक मिशन को कम्प्लीट करेंगे। ओके भाई, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, RGB कलर कर लेते हैं। दोस्तों हमारी बाइक बिल्कुल रेडी हो चुकी है ड्राइविंग करने के लिए, और चलो अभी हम मिशन को कंप्लीट करने चलते हैं और फिर हमें मिल जाएगा कंटेनर वाले ट्रक का चीट कोड नंबर एंड इसके अलावा मुझे मिल जाएगा भाई बस का चीट कोड नंबर जिसको चलाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो यार आप लोग सामने देख पा रहे हो, ये है हमारे बड़े बड़े मेगा रैंप्स और इन्हीं को आज हम पार करने वाले हैं। वैसे तो हमारे बाइक की स्पीड काफी तेज है, लेकिन यार धीरे धीरे चलना पड़ेगा। अगर हमारी बाइक मेगा रैंप से फिसल जाएगी तो फिर हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे धीरे धीरे, अभी यार ब्रेक ओके कंट्रोल नहीं हो पाएगी यार अगर ये फिसल जाएगी तो। चलो यार स्पीड से भगाते हैं वरना आगे जंप भी तो लगानी है। तो चलो यार ओके अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा। और ये लो भाई फुल स्पीड से जंप लगा दी है, और सामने है यार हमारा टारगेट। क्या यार नीचे आना पड़ेगा वापस। कोई बात नहीं गाइस, हम फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन आज तो मिशन को कंप्लीट करके ही रहेंगे। अबे यार देखो कितना डैमेज मिल चुका है मुझे, वैसे तो मैंने यहाँ पे इन्फिनिटिव हेल्थ कर रखी है। ओके दोस्तों इस बार हम कार से ट्राई करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे 4000 डायल कर लेता हूँ, और ये आ चुकी है 4 से कार। इसका भी हम RGB लाइट कर लेते हैं। तो ये देखो यार हमारी कार कितनी मस्त हो चुकी है। चलो वापस से चलते हैं मेगा रैंप के पास एंड वहां से हम ट्राई करेंगे हमारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो भाई क्या इस बार हम मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे? चलिए गाइज मैं चलता हूं वापस से मेगा रैंप के पास। तब तक गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये आ चुका है हमारा मेगा रैंप, और अब की बार शायद हम मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे। ये क्या हुआ यार, सिर्फ 2-3 पलटी में ही हमारी कार डैमेज हो गई यार। ये देखो, कोई बात नहीं गाइज, अगर डैमेज हो गई तो क्या हुआ, चलो हम ट्राई तो करें, क्या पता हमारा मिशन कंप्लीट हो जाए। पीछे का हिस्सा भी एकदम बिल्कुल डैमेज हो चुका है, और ये देखो अभी यार बच गई। ओ भाई साहब बाल बाल बचे हैं, कितना कठिन रास्ता है ये देखो। ओके फिर से ट्राई करते हैं और फुल स्पीड से भगाते हैं हमारी कार को। ओके भाई ओके, अरे यार ये कहाँ पे अटक गई, एक बार देखो यार इधर से और आगे से देखो। चलो मैं पीछे करने की ट्राई करता हूँ, तो चलो यार मैं पीछे करता हूँ इसको। ओके अरे 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 भाई ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओके भाई कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन यार ये यहाँ से निकल नहीं रही, क्या करें। एक बार उधर से दिखाता हूँ मैं, दूसरी साइड से, ये चेक करो भाई बिल्कुल। अबे यार ये गई हमारी कार एकदम खाई में भाई, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम एक ऐसी बाइक को लेंगे जो काफी तेज दौड़ती हो और काफी मजबूत भी हो, क्योंकि यार ये देखो छोटी मोटी बाइक और छोटी मोटी कार तो फिसल जाती है इस मेगा रैंप पर। तो मैं यहाँ पे एक बाइक को स्पॉन करवा लेता हूँ, ट्रून बाइक देखते हैं आज ट्राई करके 6000। ओके भाई मैंने यहाँ पे ट्रून बाइक को स्पॉन करवा लिया है, और यहाँ पे बैठने का ही ऑप्शन नहीं आ रहा। ये क्या भाई, बैठने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं मैं यहाँ पे एक दूसरी बाइक को स्पॉन करवा लेता हूँ 6000। चलो भाई इस बाइक से ट्राई करेंगे, इसमें तो आ रहा है यार बैठने का ऑप्शन। तो यहाँ पे RGB लाइट भी लगा ली है, काफी मस्त है हमारी बाइक फिलहाल। ऑल राइट गाइज मैं आ चुका हूँ मेगा रैंप के पास, और चलिए ट्राई करते हैं फिर से इस मेगा रैंप को पार करने के लिए। पिछली बार तो हमने कार से ट्राई किया था लेकिन नीचे गिर गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि मेरे पास है ट्रोन बाइक। इसका तो आपको पता है ये कितनी तेज दौड़ती है। ओ भाई साहब ये लोग यार कितनी ऊंची जंप लगाई है। ओके भाई हम पहुंच चुके, बट और यार ये क्या हुआ, वापस से नीचे गई। कोई बात नहीं गाइस, चलो मेरे पास एक आइडिया है, ये जो मेगा रैंप है यहाँ से हम इसको पार करेंगे। तो चलो मैं सीधे ही जंप लगा देता हूँ, और ये मैं आ चुका हूँ बिल्डिंग पर, फर्स्ट बिल्डिंग पार कर ली है, और अभी हम करने वाले हैं सेकेंड बिल्डिंग को पार। तो भाई ओके आ चुके हैं गाइस, हमने 2 बिल्डिंग तो पार कर दी है, लेकिन अब जाना किधर है, शायद इधर रास्ता है। ओके भाई इसको पार करना पड़ेगा। तो ये लो भाई यहाँ से जंप लगा देते हैं, और यहाँ भी हमने पार कर दी है तीसरी बिल्डिंग को भी। यहाँ तक तो आगे, लेकिन अब आगे का रास्ता है ना काफी कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं यार हम ट्राई करेंगे।
तो ये जो सामने वाला मेगा रैंप है इससे मुझे जंप करवाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइज, मैंने जंप करवा दी है लेकिन अभी ब्रेक लगाना पड़ेगा। ओके भाई, लगा दिया। गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा और कल वाले वीडियो में मैं आपको कंटेनर ट्रक का चीट कोड नंबर एंड जेसीपी का चीट कोड नंबर, दोनों का चीट कोड नंबर बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में कंटेनर ट्रक लिख देना, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि आपको कंटेनर ट्रक का चीट कोड नंबर लेना है, फिर मैं आपको उसका चीट कोड नंबर बता दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।